वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नाम तो सुना ही हुआ है बेसिकली, जिसका फॉर्मूला MgH। हमने ये वर्क पर एनर्जी के अंदर डिस्कस किया था, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को h हाइट पर लेके आते हो तो देयर इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वैल्यू क्या होती है MgH। किया हमने, पर इमेजिन करो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को 2000 किलोमीटर ऊपर ले गया तो मैंने पूछा कि इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, उसने कहा Mg-H, क्योंकि वहां पर जी की वैल्यू क्या हो गई चेंज। मैंने कहा ठीक है, हिसाब बराबर हो गया। तो मैंने अब एक क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस पे रखता हूं, तो अर्थ की सरफेस पे किसी पॉइंट पर एक पत्थर पड़ा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, बोलो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? आप कहेंगे जीरो, क्योंकि हाइट तो अटेन ही नहीं की उसने। गलत, होती है। तो मैंने कहा कैसे होती है? तो स्टूडेंट बोला कि अभी अभी पता लगा लास्ट लेक्चर से ही कि हम सारे डिस्टेंसेस सरफेस से लेते ही नहीं, हम सारे डिस्टेंसेस कहाँ से लेते हैं, सेंटर से, तो कुछ तो होती होगी एनर्जी। हाँ, लॉजिक है। फिर आज कैसे पैदा हो गई? 3 महीने पहले तो थी नहीं, जब तो कहते थे कि जीरो है। आज कहते हैं कि सेंटर से लेंगे, जब तो कहते सेंटर से लेंगे नहीं, जब तो कहते हम ग्राउंड से लेंगे। चक्कर क्या है ये? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, और बहुत ज़्यादा ज़्यादा हाइट्स पे हम एक ऑब्जेक्ट को फेंकें या वहाँ से घेरें, तो ये कॉन्सेप्ट को यूज़ कैसे करना है इसको समझते हैं। एक पहली पॉइंट समझ लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल वैसी काम करती है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस टू में चार्जेस पे लगती है। ये जितनी भी एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो एक जैसा ही है। आप प्लस वन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कर लो, प्लस टू में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कर लो, ऐसी मैग्नेटिक मैग्नेट्स में मैग्नेटिक एनर्जी कर लो, एक ही कॉन्सेप्ट है। जहां पर वर्ड पोटेंशियल एनर्जी आ जाए इसका मतलब किसी ने तो वर्क डन किया है। पत्थर को उठाने का वर्क डन किया है, या स्प्रिंग को खींचने का वर्क डन किया है, कुछ तो किया है काम जिससे एनर्जी क्या हो गई, स्टोर हो गई। ऐसा ही होता है। तो फिर ये कॉन्सेप्ट यूज कहां होता है? मैंने वर्क पर एनर्जी में बिल्कुल क्लियरली सिखाया था, अगर आप इस नेचर के अगेंस्ट काम करो तो नेचर के अगेंस्ट कोई भी काम करने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ता है। आप अगर ये कहो ये पत्थर है जी, पत्थर को मुझे नीचे गिरना है, हाँ तो गिर लो, आपको कोई काम नहीं करना। नेचर खुद चाहती है कि ये पत्थर नीचे गिरे, तो आप आराम से बैठो, पत्थर नीचे गिरेगा। लेकिन अगर आप कहो नहीं जी नहीं, पत्थर को ऊपर भेज रहे हैं, देखो नेचर नहीं कहती कि पत्थर ऊपर जाएगा, पत्थर नीचे गिरेगा, ग्रेविटी का इफेक्ट नीचे की तरफ है, पर आप अगेंस्ट नेचर काम कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो जो जितना ऊपर लेके जाना चाहते हो वर्क डन भी उतना ही ज्यादा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ज्यादा। तो वर्क डन जो आप करेंगे वो स्टोर हो जाएगा उस बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? आप स्प्रिंग नहीं खींचना चाहता, आप जोर से खींच रहे हैं उसे, जब आप जोर से खींच रहे हैं उसे तो आप अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे हैं, तो वर्क डन स्टोर हो जाता है स्प्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग एनर्जी। तो जहां जहां नेचर के अगेंस्ट काम होगा वहां एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ऐसा ही होगा। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ प्लस टू का, प्लस टू से ज्यादा समझ में आता है, प्लस वन में भी थोड़ी देर में अपने आप आ जाएगा, पर वो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर दिखता है। जैसे मेरे को कुछ चार्जेस गिवन है, मान लो आप, मान लो ये पूरे आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप सब चार्जेस हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है। तो मेरे को आप सबकी सिस्टम की एनर्जी निकालनी है, इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ये सारे पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे क्लास में हो नहीं सकते, इकट्ठे रहना पसंद ही नहीं करते, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, नेचर है ना। अब देखो मैंने क्या कहा कि आप सब ना अपने घरों पे जाके बैठ जाओ, आप सब पॉजिटिव चार्ज हो, अपने अपने घर पे जाओ। आपका घर मेरे क्लासरूम से बहुत दूर है, ठीक है, और बहुत दूर को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक चार्ज के लिए वो डिस्टेंस है जहाँ पर वो दूसरे चार्ज का को अफेक्ट नहीं कर पा रहा, जहाँ फोर्स लगा नहीं पा रहा। वो कहता है जी मेरी तरफ से वो चाहे चांद पे जाए, सितारे पे जाए, अपने घर बैठे, मेरे लिए वो इन्फिनिटी है। अगर वो मैं उसे अट्रैक्ट या रिपेल कर पा रहा हूँ फिर वो फाइनाइट डिस्टेंस है, अदरवाइज मेरे हिसाब से वो इन्फिनिटी है। तो मैंने आप सबको कहा भाई तुम अपने घरों में जाके बैठ जाओ, तो अब तुम इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट हो, तुम पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव और तीसरे पॉजिटिव पे कोई एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। फैसला हो गया। अब मैं आया, मैंने कहा देख ऐसा है कि इस पॉजिटिव चार्ज को कहा तू चल क्लासरूम में चल, तो वो कहता है जी ठीक है मैं चल पड़ता हूँ, तो आपको वर्क डन
मैंने पूछा क्या मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, वो कहता नहीं वर्क डन क्या करना पड़ेगा, मैं चल पड़ता हूँ आपके साथ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे साथ आया। मैंने कहा वर्क डन कितना, वो कहता जीरो, मेरे को कोई काम नहीं करना पड़ा इसको यहाँ लाने में। क्यों नहीं लाने में काम करना पड़ा? बेसिकली मैं चाहता ये हूँ कि बहुत सारे चार्जेज इकट्ठे हों इस क्लास में, तो ये कहता है कि मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं आ गया यहाँ पे, और अगर मैं अगर ये नहीं भी आता तो मैं अपनी क्लास इसके घर पे लगा देता, बस हो गया, कहता आ गया, तो मैं ये अगर वहाँ बैठ भी जाएगा और मैं वहाँ चला जाऊँगा, तो मेरा वर्क डन पहले चार्ज पे जीरो। अब मैंने इस चार्ज को कहा अपने घर से उठ के तू भी यहाँ पे आ जा, ये कहता देखो सर मैं आ तो जाता हूँ लेकिन मैं क्लासरूम के बाहर बाहर तक रहूँगा। क्लासरूम के बाहर इसलिए क्योंकि इसका असर क्लासरूम तक है। इमेजिन करो ये क्लासरूम के अंदर कोई भी दूसरा चार्ज है उसको रिपेल कर पाता है, क्लासरूम के बाहर नहीं कर पाता, उसके बाद जहाँ मर्जी जाओ ये कहता है मेरी रेंज खत्म हो गई। तो ये कहता है मैं क्लासरूम तक तो आ जाऊँगा, क्लासरूम पे आने पे आपका कोई वर्क डन नहीं लूँगा, मैं घर बैठा हूँ क्लास के बाहर बैठा हूँ वहाँ बैठा हूँ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन जीरो। लेकिन अगर आपने मेरे को क्लासरूम में आने को कहा तो देखो आपको मैं तो आ नहीं पाऊंगा क्योंकि ये मेरे को क्या करेगा रिपेल करेगा, तो आप ही को कुछ करना पड़ेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ा वर्क, तो मैं एक्सटर्नल वर्क डन करूंगा, तो मैं वर्क डन करूंगा और इन्हें पास लेके आऊंगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। रिपेल कर रहे हैं पर जबरदस्ती मैं अगेंस्ट नेचर काम कर रहा हूं, तो मुझे मैंने इनको यहां बिठा दिया कुछ डिस्टेंस अपार्ट, तो इसने तो कुछ कहा नहीं क्योंकि इसको रिपेल करने वाला कोई था ही नहीं, तो इसलिए इसके ऊपर किसने फोर्स ही नहीं लगाई, इसने कहा मेरा वर्क डन जीरो। लेकिन इसको लाने में मेरे को जोर लगाना पड़ा, इसको लगाने में कोई जोर लगाना नहीं पड़ा, ये पहला चार्ज था। पहले चार्ज को लाने में वर्क डन हमेशा जीरो होता है, दूसरे चार्ज को लाने में वर्क डन मान लो 10 जूल हो गया, मैंने पकड़ के रखा हुआ, अगर मैंने इन्हें छोड़ दिया अब ये क्या करेंगे दूसरे को रिपेल, इनके पास एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे काइनेटिक में, और दूर भाग जाएंगे जब तक इनके बीच में डिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं हो जाता। तो एनर्जी भर गई, अगेंस्ट नेचर काम हुआ, 10 जूल का काम करना पड़ा। तो ये दोनों को मैंने किस तरीके से फिक्स कर दिया। अब तीसरे को कहा अपने घर से उठ के तू भी इधर आ जा, ये कहता देखो सेम कंडीशन है, क्लासरूम के बाहर तक लेके चलते हो कोई टेंशन नहीं, मैं आराम से चलूंगा, कोई मेरे को रिपेल नहीं करता, आपका बिल्कुल वर्क डन नहीं यूज करूंगा, लेकिन अगर आप क्लासरूम के अंदर मुझे बिठाओगे ये दोनों के दोनों मेरे को रिपेल करने वाले हैं, अब आपको वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा मेरे ऊपर क्योंकि मेरे को दो दो बंदे रिपेल कर रहे हैं, दो दो चार्ज रिपेल कर रहे हैं, तो मेरे को वर्क डन ज्यादा करना पड़ा, तो मेरे को 15 जूल का वर्क डन करना पड़ा इसको यहां लाने में अगेंस्ट नेचर। नेचर चाहती है प्लस 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 रिपेल लूं, पर मैं चाहता हूं ये पास आए। अब 15 जूल का वर्क डन इस पे लग गया, 10 जूल का इस पे लग गया, इसने तो मुझे कुछ कहा नहीं, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया 0 + 10 + 15 25 जूल का काम लग गया। ये स्टोर हो गया इन तीनों चार्जेस में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तुम अगेंस्ट नेचर काम करते जाओ तो जितना वर्क डन करते जाओगे वो उसकी एनर्जी बनती जाएगी, राइट। अब ग्रेविटेशन पे आ जाएं, अब हम करना चाहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ठीक वैसे ही जैसे में तीन तीन दो दो चार्जेस थे, इसमें चार्ज नहीं है, इसमें मास है। कौन से दो मास हैं? एक अर्थ एक मास है, अर्थ एक मास है और वो पत्थर दूसरा मास है छोटा एम। तो पहले ही अपने इनको को अपने घरों में जाएं, मतलब पहले वर्क डन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से तो पहले तो इनको बहुत दूर दूर जाएं, दे आर इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। तो अर्थ को कहूँगा चल तू मेरे साथ चल, तो जहाँ भी कहूँगा वहाँ पर चल और तेरे ऊपर वर्क डन होगा, वो कहते तुम मेरे को क्या लेके जाओगे, तो मेरे ऊपर ही आ जाओ, तो वर्क डन जीरो। मतलब मैं अर्थ को कहाँ से खींच लूँगा ऑब्वियसली, तो आप इमेजिन करें कि मैं अर्थ के ऊपर चला जाता हूँ तो पहले मास को लाने के लिए वर्क डन क्या हो गया जीरो। या अगर मैं ले भी आऊँगा तो अर्थ कुछ नहीं कहती है, वो कहती है ठीक है यार कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो जहाँ कहोगे वहीं से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला मास कौन है अर्थ, और पहले चार्ज के लिए वर्क डन क्या था जीरो, पहले मास के लिए भी वर्क डन जीरो। अब एक और पत्थर है स्मॉल एम। अब स्मॉल एम और अर्थ में शुरू में डिस्टेंस क्या है इनफाइनाइट, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। मैं स्मॉल एम को चाहता हूं कि वो अर्थ के ऊपर सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस यहां पे आ जाए। अब देखो अब स्मॉलर डिस्टेंस में आ रहा है तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में आ रहा है। अब ग्रेविटेशनल पुल में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे वर्क डन, चाहे ये करे चाहे मैं करूं, किसी को तो वर्क डन करना ही पड़ेगा, फ्री में थोड़ी ना आएगा। तो यानी कि अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रही है तो कहीं ना कहीं वर्क डन होने वाला है। तो इस मास को मुझे यहां रखना है कहां से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से। ये शुरू में बहुत दूर दूर थे, कैपिटल एम तो वहीं पड़ी है जहां पड़ी है, स्मॉल एम को मुझे कहां से लाना है, इनफाइनाइट से लाना है, अर्थ की सरफेस से नहीं लाना, कहां से लाना है, इन्फिनिटी से ना। तो
पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में वर्ड इन्फिनिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हो कि इन्फिनिटी वर्ड क्यों बोलते हैं? इन्फिनिटी का मतलब है शुरू में इनका कोई लेना देना नहीं है, दे आर इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। और जब मैं पास लेके आता हूँ इनका लेना देना है, तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है यहाँ तक? तो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो स्मॉल एम को जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ाते हैं ना, तो ये नहीं कहते स्मॉल एम को यहां से यहां ले आए, ना, स्मॉल एम को इन्फिनिटी से उठा के यहां पे ले आए। तो स्मॉल एम को इन्फिनिटी से उठा के ए पॉइंट पे ले आए छोटा एम में, अर्थ का मास यहां पर कैपिटल एम है, तो मुझे यहां पर स्मॉल एम अमाउंट को लेके आना है कहां से? इन्फिनिटी से। तो वर्क डन देखें कितना हुआ। जब ये स्मॉल एम इन्फिनिटी पे था, बहुत दूर था, तो अर्थ इसके ऊपर फोर्स क्या लगाती थी? जीरो, क्योंकि डिस्टेंस इनफाइनाइट है। तो जी एम वन एम टू बाई इन्फिनिटी स्क्वायर इज जीरो, तो फोर्स क्या लगाती है? जीरो। लेकिन जब ये इसके नीचे अर्थ के पास आ रहा है, कभी ना कभी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में आ जाएगा, तो अर्थ ने मान लो फोर्स लगानी शुरू कर दी। मान लो अब ये पी पॉइंट पे है और पी पॉइंट की दूरी सेंटर से क्या है? एक्स। तो पी पॉइंट पे फोर्स क्या लग रही है? जी, बड़ा मास छोटा मास बाय एक्स का स्क्वायर। अब जैसे जैसे पॉइंट मास और नजदीक आता जा रहा है, स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, फोर्स की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो यानी कि अर्थ इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा रही है? वेरिएबल फोर्स। और अगर मुझे वर्क डन निकालना है, क्या वर्क डन निकालना है? इस स्मॉल एम को उठा के इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे रखना है, तो पूरे रास्ते में क्या लगेगी? वेरिएबल फोर्स। और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए क्या लगानी पड़ती है? इंटीग्रेशन। इसीलिए स्टार्ट हुआ बाय इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है यहां तक? क्योंकि फोर्स वेरी कर रही है। तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट पी से क्यू तक आया, पी से क्यू पे आने के लिए अर्थ ने इसे खींचा, फोर्स क्या लगाई? एफ लगाई। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? स्मॉल डीएक्स। डीएक्स इसलिए बिकॉज पहले मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालूंगा और एंगल एफ और डीएक्स में जीरो, तो एफ डी एक्स कॉस जीरो। तो किसी भी इंस्टेंट पर फोर्स लग क्या रही है? जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर। अब टोटल वर्क डन निकालना है मुझे, अपने ऑब्जेक्ट को कहां से लेके आना है। शुरू में ऑब्जेक्ट कहां पर था? इन्फिनिटी। तो एक्स की वैल्यू क्या थी? सेंटर से इन्फिनिटी। और फाइनली कहां पे रख दिया? ए पे। तो सेंटर से दूरी क्या कर दी? एक्स की स्मॉलर। तो लिमिट चेक कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को कहां से कहां लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी से आर, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रही है। तो एक्स की वैल्यू शुरू में इन्फिनिटी और फिर बाद में स्मॉलर। जब इन्फिनिटी है तो वर्क डन क्या है? जीरो। और जब आर पे आ गया तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है? W। तो W GMM बाहर आ गया, 1 by x square dx आ गया, x ऊपर चला गया, raise to power minus 2, इसकी इंटीग्रेशन की, x की पावर minus 1 by minus 1, इन्फिनिटी से r, माइनस बाहर आ गया, x की पावर minus 1 क्या होता है? 1 by x, एक बार x की जगह small r और एक बार x की जगह इन्फिनिटी, 1 by इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो आंसर क्या आ गया? माइनस GMM by। तो ये अमाउंट ऑफ क्या आया? वर्क डन। और ये वर्क डन उस पॉइंट ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला लिखें फॉर्मूला बुकलेट में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो ऐसे लिखें जो मैं लिखने जा रहा हूं। तो पहले लिखें यहां पे, ये डायग्राम बनाएं, अर्थ कैपिटल एम, ये कैपिटल आर, और हम स्मॉल आर डिस्टेंस पे क्या निकाल रहे हैं? एनर्जी। तो माइनस जी एम एम बाय आर। और सरफेस के ऊपर बनाएं, सरफेस के ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, सेंटर से उसकी दूरी कैपिटल आर है, तो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी एम एम बाय बड़ा आर। ये दोनों फॉर्मूलास को नोट करें। सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की जीरो नहीं होती, आपके सामने ये नहीं होती, कैपिटल आर के फॉर्म में आती है। और अगर दूर चले जाएंगे तो कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर हो जाता है।
इसका प्रूफ एनसीईआरटी में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपटीशन के अंदर या न्यूमेरिकल के अंदर तो इसकी थ्योरी आती नहीं है, तो फॉर्मूला लगाएंगे आज मैं सिखाऊंगा कैसे आता है, पर एनसीईआरटी में ग्रेजुएशन के अंदर ये नोट कर सकते हो। क्लियर है? अब क्वेश्चन, दो क्वेश्चन माइंड में आते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, सारी बातें ठीक हैं, माइनस कहाँ से आ गया? हमने तो सोचा भी नहीं कि माइनस में होगी एनर्जी, हमने तो सिखाया था, किया था स्मॉल एम जी एच। तो फिर वो फॉर्मूला इतने सालों से पढ़ रहे हैं, जब से साइंस पढ़नी शुरू की है, जब से फिजिक्स पढ़नी शुरू की, हमें बचपन से रटाया गया एम जी एच एम, तो फिर वो क्या किया था भाई? तो फिर ऐसा क्यों बोला वर्क पर एनर्जी में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस के ऊपर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। पर आज तो नहीं बोल रहे, क्या हुआ अर्थ नहीं बनी है आज, या फिजिक्स नहीं बनी है, ये क्या कॉन्सेप्ट कैसे चेंज हो गया रातों रात? अब मैं तो कंफ्यूज हो गया, अब मेरे को वर्क पर एनर्जी का क्वेश्चन आएगा, अब मैं कहूँगा कि अर्थ के ऊपर एक ईंट पड़ी हुई है, ईंट को ऊपर फेंकना है, अब मैं क्या बोलूँ किसी को, एनर्जी जीरो होती है कि नहीं होती? मैं तो उल्टा कन्फ्यूज ही हो गया ज़्यादा पढ़ के, बिना पढ़े ठीक था, पता तो था कि जीरो होती है, ज़्यादा पढ़ लिए तो और कन्फ्यूजन होगी कि अब आंसर क्या दूँ किसी को, सही है? तो आंसर है जीरो नहीं होती, ये होती है। तो फिर MGH क्या होता है, स्मॉल MGH वो कहाँ गया, उसके ऊपर आंसर देता हूँ, दो चीज़ों के आंसर देता हूँ। पहला, माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस साइन का आना बहुत ज़रूरी था इसमें, देखो कैसे। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये अर्थ है और जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाएंगे या ऊपर जाएगा ऑब्जेक्ट, बोलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? पत्थर को ऊपर लेके जाएंगे तो वर्कडन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, तो एनर्जी बढ़ती नहीं है। अच्छा चलो इसको छोड़ो, MGH फॉर्मूला ही लगा लो यार, H बढ़ेगा तो वर्कडन तो ज़्यादा ही करना पड़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। जितनी हाइट अटेन करवाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? सरफेस के ऊपर माइनस GMM बाय कैपिटल R। चलो मान लो मैंने आपको कैपिटल जी दिया, एम दिया, एम दिया और आर भी दिया, जस्ट समझने के लिए, आपने सॉल्व किया और आंसर क्या आया, मान लो माइनस 10 जूल, मान लो सरफेस के ऊपर माइनस 10 जूल आ गया। तो मैं जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके गया तो कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, माइनस GMM बाय स्मॉल आर, ऑब्वियसली अब स्मॉल आर हो जाएगी यहाँ से, तो मेरा डिस्टेंस कैपिटल आर से बढ़ गया, दूरी बढ़ती जा रही है, तो ये पूरी फ्रैक्शन कम हो जाएगी। मान लो सॉल्व करके आंसर क्या आया, 10 की बजाय 9 आ गया, तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर आर बढ़ाते जाओगे न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती जाएगी, माइनस 10, माइनस 9, माइनस 8, ऐसे करते 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 माइनस 7 जूल करते 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 कितनी, जीरो। बोलो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है, माइनस 7 बड़ा है माइनस 10 से। लेकिन अगर ये पॉजिटिव होती, अगर मैं ये पॉजिटिव वैल्यू लेता GMM बाय R, मैं पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ, तो ये अगर 10 जूल होती और फिर ये 9 जूल होती, फिर ये 8 जूल होती, करते 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 एनर्जी क्या हो रही है, कम। ये तो फिर कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया, एक्सप्लेनेशन ही गलत हो गई। तो माइनस साइन का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है, बिल्कुल होना चाहिए था। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि अगर आप न्यूमेरिकली वैल्यू को कम कर रहे हैं तो आगे नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि कम नहीं हो रही, वो वैल्यू क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, और बहुत दूर जाके क्या हो जाएगी, जीरो। तो हम जब जीरो हो जाती है उसको पढ़ते ही नहीं है, हमारे अर्थ के फील्ड से जब बाहर निकल गई कोई चीज, फिर स्टडी क्या करना है उसे, निकलने पर तो नहीं, यूनिवर्स से कहाँ चली जाएगी, हमें क्या पता कहाँ गई, तो उसको क्या स्टडी करोगे, उसको नहीं स्टडी करेंगे, तो हम अर्थ के फील्ड के अंदर ही काम कर रहे हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, तो पहला आंसर। अब दूसरा आंसर देने वाला हूँ, फिर वो वर्क पर की जो एनर्जी की थी वो एनर्जी क्या थी, राइट? इसको ध्यान से समझना, ये कन्फ्यूजन दूर कर देगा आपकी। पहला आंसर पता लग गया, यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए इसका मतलब मानते हो, सही किया जिसने ये डेफिनेशन बनाई, बिल्कुल सही बनाई। अब दूसरी चीज़ इसमें ये समझने वाली है, माइनस साइन कर क्या रहा है इसमें, देखो ये आपको ना याद करना नहीं है, सिर्फ समझना है। मैं वापस आपके वर्क पर एनर्जी के न्यूमेरिकल पे वापस चलता हूँ। क्वेश्चन है,
आपके पास एक अर्थ है, कैपिटल एम इसका मास है, एक पॉइंट मास स्मॉल एम है, फिर आप एच डिस्टेंस तक एक ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गए, ये एच की जो वैल्यू है, ये एच की वैल्यू स्मॉल है। आपने वर्क पर आज तक जितने भी न्यूमेरिकल किए, क्या आपने सुना एक बॉल को 2000 किलोमीटर ऊपर फेंका? कैसे फेंकोगे 2000 किलोमीटर? 500 किलोमीटर सैटेलाइट स्टार पहुंच जाती है, 2000 आपकी बॉल कहाँ जाएगी? नहीं जाएगी। आपने 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर, इससे ऊपर तो काम ही नहीं किया कभी भी। तो आपके एच हमेशा क्या रहते थे? छोटे रहते थे। तो अगर मैं ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट लगाऊं और आपसे ये पूछूं कि सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस जी एम एम बाय आर होगी, ठीक है? और अगर मैं एच हाइट पर चला जाऊं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच होगी। चाहे एच छोटा है तो क्या होगा, 10 मीटर है कोई बात नहीं, कुछ तो चेंज हुआ, चाहे बहुत छोटा चेंज हुआ। तो किसी ने पूछा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, तो मैंने भी क्या किया, दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, फाइनल में से इनिशियल को क्या कर दिया, माइनस। तो मेरे पास क्या आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? तो जब मैंने इन्हें माइनस किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये टर्म जीएमएम कॉमन आ गया, जीएमएम कॉमन है, तो यहां से क्या आया, वन बाय आर, और यहां से क्या आया, माइनस वन अपॉन आर प्लस एच। तो कॉमन निकाल के इस दोनों टर्म में से वन बाय कैपिटल आर कॉमन, ये पूरे का पूरा बाहर आ गया, तो ये क्या बन गया, वन। यहां पर कैपिटल आर था नहीं, तो कैपिटल आर से क्या कर दिया, इसे मल्टीप्लाई, ठीक है? यहां तक क्लियर है? जस्ट दिखा रहा हूं कि हो क्या रहा है। इस कैपिटल आर को डिनोमिनेटर में ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, वन, और ये कैपिटल आर इससे डिवाइड होके क्या देगा आपके पास, आर बाय आर क्या हो जाएगा, वन, और एच बाय आर। अब एलसीएम लेके देखो इसको सॉल्व, यही आंसर आएगा। एलसीएम लेने के बाद, सॉल्व करने के बाद यही आंसर आएगा। या ऐसे कह लो, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को कैपिटल आर से डिवाइड कर दिया तो ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये एच बाय आर हो गया। अब ये पूरी टर्म जब ऊपर जाएगी तो रेज टू पावर माइनस वन, पूरी की पूरी टर्म ऊपर गई, रेज टू पावर माइनस वन। मैथ वालों को पता है पहली टर्म वन है, एच बहुत छोटा है आर के मुकाबले, ये माइनस वन है, बाइनोमियल कैन बी अप्लाइड, बाइनोमियल आपको अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देती है, बाइनोमियल के अकॉर्डिंगली क्या होगा, माइनस वन को इससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो माइनस वन को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस एच बाई आर हो गया, प्लस एच बाई आर की जगह माइनस एच बाई आर हो गया। इसे ओपन किया तो ये टर्म आ गई, चेक करो, वन से वन कैंसल, सिंप्लीफाई करके ये टर्म आ गई। मैंने आपको बताया हुआ है कि स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर, तो जी एम की जगह क्या पुट कर सकते हो, स्मॉल जी आर स्क्वायर, कैंसल कैंसल, वही पुराना फॉर्मूला आ गया एम जी एच। ये आपका वही फॉर्मूला जो आप देखते थे वर्क पर एनर्जी में, एक्चुअल में तो ये चल रहा है। अब आप कहोगे फिर वर्क पर एनर्जी में, वर्क पर एनर्जी में हाइट्स बहुत छोटी होती थी तो हम लोग क्या करते थे, ये आपसे आपसे डिस्कस नहीं करते थे, हुआ क्या अंदर से, हम बोलते थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच, बहुत सारी किताबों में लिखा होता है। जब आप एक ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से एच हाइट ऊपर लेके जाते हो, वो ये नहीं बोलता कि उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है, वो बोलता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या इंक्रीज या डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच। वर्ड जरूर लगाता है चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज, क्योंकि पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी का तो फॉर्मूला एम जी एच होता ही नहीं, किसी भी पॉइंट पर एनर्जी का फॉर्मूला तो ये होता है। तो एक्चुअल में तो ये थ्योरी है, माइनस करने के बाद ये थ्योरी है। फिर और आपको कोर्स मुश्किल ना लगे, आपको एक और तरीके से समझाया जाता है। हम कहते हैं छोड़ो अर्थ के नीचे कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन जिंदगी स्टार्ट यहीं से है, अर्थ के सेंटर को मारो गोली। हम कहते हैं ये अर्थ के ऊपर एनर्जी जीरो है और एच हाइट पर आ गई एम जी एच है, तो चेंज कितना हुआ, एम जी एच माइनस जीरो इज एम जी एच। तो हमारा सारे न्यूमेरिकल जीरो और एम जी एच पे चल पड़ते हैं, क्योंकि हम अपना रेफरेंस पॉइंट लेते ही ग्राउंड है, हम तो रेफरेंस पॉइंट सेंटर कभी लेते ही नहीं। पर अब ग्रेविटेशन आ गया, अर्थ पूरी दूर से दिखाई दे रही है, अब रेफरेंस पॉइंट सरफेस नहीं हो सकता, अब सेंटर होगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो आप छोटे डिस्टेंसेस के लिए इस चैप्टर में कोई जगह नहीं है। आपको अगर ये लग रहा है कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे सपोज करो मैंने बहुत एग्जांपल आपको दे दिए पिछले दो क्लासेस में, जिसमें मैंने कहा कि 2 kg का ऑब्जेक्ट है, 3 kg का ऑब्जेक्ट है, बोलो यहाँ ई क्या होगा,
तुम्हें क्या लगता है मार्केट से 2 किलो सेब और 2-3 किलो संतरे ले आओगे तो वो ई लगा देंगे वहां पे कि तुम्हारे ये पेन को खींच के रख देंगे अर्थ की तरह की। क्या 2 किलो 3 किलो में तो ई भी जनरेट नहीं होता। अर्थ के सामने जितना मर्जी मास ले आओ, अर्थ बहुत बड़ी है। अर्थ का खुद का ही मास इतना बड़ा है कि वो किसी को फील्ड लगाने कहाँ देगी। निग्लेक्टेड निग्लेक्टेड सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब मैं देखो ना कितना लिखना पड़ेगा। सपोज एक मास है 2.32 × 10³³, एक मास है 5.27 × 10²³, एक मास है। देखो ई निकालो, एक्चुअल में तो यही कहानी है। इतने बड़े बड़े मासेस का ई निकल रहा है। समझाने के लिए मुझे कम लिखना पड़े और आपको जल्दी समझ में आए, मैं मासेस को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, लेकिन रियलिटी में इस चैप्टर में इतने छोटे मास आपको मिलने वाले है ही नहीं। आपको बड़े मास मिलेंगे। मून का मास है, अर्थ का मास है, जुपिटर का मास है। छोटी मोटी बात नहीं करेगा वो, बड़ी बात करेगा। समझ में आ रहा है? कहीं सोचो कि सर मास बहुत बड़े दिए हुए हैं, मास एक्चुअल में ही बड़े होंगे, वो तो मेरे एग्जाम्पल छोटे लेके कर रहे हैं। तो ऐसे अगर फील्ड लगने लगे फिर तो आप लोग भी फील्ड लगाना शुरू कर दोगे। फिर मतलब फील्ड ही फील्ड, इतने तो ऐसे नहीं फील्ड लगते होते। फील्ड लगा रहे हो आप, लेकिन आपका फील्ड कुछ भी नहीं अर्थ के सामने। अर्थ के सामने कोई फील्ड लगा नहीं पाएगा, निग्लेक्टेड है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक। तो ये रूल समझ में आया कि ये चेंज कैसे लेते हैं। दोनों चीज़ों का आंसर हो गया। एक हमने क्या सीखा, किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अर्थ की वजह से क्या होगा, फिर माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस होगा। हम अपनी डेफिनेशन में इन्फिनिटी किसे बोलते हैं, पहले अलग अलग मासे से फिर पास ले आए, और नेक्स्ट है कि एम जी एच का क्या सिग्निफिकेंस था। ये तो आपको दिखाने और समझाने के लिए है। इस चैप्टर में ये लगता नहीं है, इस चैप्टर में एमजीएच का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, क्योंकि कहाँ हम 6400 किलोमीटर की बातें कर रहे हैं और कहाँ बॉल को 10 मीटर फेंक रहे हैं, मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में यूज ही होने वाला। तो समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो सिंपल रूल डिसाइड करते हैं, अगर ग्रेविटेशन का चैप्टर है फिर तो यही एनर्जी लगेगी हर जगह, ये नहीं लगेगी। और अगर इसके अलावा कहीं पर भी है 10 मीटर 5 मीटर छोटे मोटे एग्जाम्पल हैं, फिर भाई ये मत लगा के खुल के बैठ जाना सर मैंने एक बॉल फेंकी 10 मीटर, काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम है, और देखो जी एनर्जी का फॉर्मूला में ये नहीं, मत करना, एम जी एच ही लगा लेना, ठीक है कॉन्सेप्ट। ठीक है, छोटे लेवल पे चलता है, बड़े लेवल पे नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? तो उन चैप्टर में ऐसे ही चलने देना, इस चैप्टर में ऐसे मत चलना। इस चैप्टर में हम ऐसे चलेंगे, इस फॉर्मूले के साथ चलेंगे जो भी मैंने आपको ये लिखवाया।